गर्मियां स्टार्ट होने लगी हैं और गर्मियां स्टार्ट होते ही लोगों का जो कलर है वो डल पड़ना शुरू हो जाता है। लड़कियां और लड़के फिर क्रीमें बनवाते हैं और लगाते हैं या फिर दुकानों से परचेज करके नई नई क्रीमें अटैच करते हैं कि किस तरीके से उनका जो कलर डार्क हो रहा है वो लाइट एंड वाइटन हो जाए। देखिए मेरे भाई, अगर आप लोग कोई भी फॉर्मूला क्रीम यूज़ करने वाले हो या आप कहीं से लेने वाले हो तो मैं आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मैं लेकर आया हूँ, जो कि मैं खुद कहूँगा कि भाई अगर आप यूज़ ही कर रहे हो तो फिर गोल्डन प्रोडक्ट करो, और अगर आप पहले से कर रहे हो या फर्स्ट टाइम करोगे मेरी बातों को सुनकर जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से यूज करना, सारी जिंदगी कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन वाइट होगी और गारंटी के साथ होगी। अगर आप लोगों की स्किन रेड हो जाती है कोई भी चीज़ लगाते हुए या फिर आपके स्किन के ऊपर पिंपल निकल आते हैं कोई भी चीज़ लगाते, तो फिर आप लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान से रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन क्रीमों को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बातों को अच्छे तरीके से नोट करिएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो छोड़ सकते हैं, जब आप फ्री होंगे तभी इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं बना रहा हूं और आप लोगों के जितने भी इसके बारे में टिप्स होंगे मैं आपको सब बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता रहा हूं या किसी को भी यूज़ करवाई है, आज तक किसी बंदे को नुकसान नहीं हुआ बल्कि उल्टा उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें तो जब आप सब्सक्राइब करोगे साथ बेल का आइकन का सिंपल बेल पर क्लिक करना, ऊपर ऑल का ऑप्शन होता है आपने ऑल पर क्लिक कर देना ताकि इसी तरह की फैशन एंड ब्यूटी वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे। सो गाइस चलो फिर हम शुरू करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं क्रीम कभी कभी यूज़ कर लेता होता हूँ, अच्छी भी होती है, आप मेरी स्किन देख सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुकसान है मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, डेली बेसिस पे मैंने कभी भी यूज़ नहीं की, मंथ में एक बार या मंथ में दो बार ही मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। बट उससे पहले देखो यार, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैंने जब इनको यूज़ किया था और लोगों को यूज़ करवाता था आज तक किसी बंदे को नुकसान नहीं हुआ, तो किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको वो सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों की जो जिल्द है मोटी है, बिल्कुल ठीक है, सेंसिटिव नहीं है, तो फिर आप इसको क्रीम को लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, आप आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं गोल्डबर क्रीम को। यूज़ किस तरीके से करना है, रात को जब भी आप लोगों ने सोना है सोते वक्त अपने फेस को वॉश करें, वॉश करने के बाद सिंपली मेरे भाई क्रीम को लगाएं, लेप करें, ज़्यादा नहीं नॉर्मल से लगानी, ना ज़्यादा ना कम, मसाज नहीं करनी, बस लेप करनी और सो जाना है, सुबह उठ के फेस को वॉश कर लेना है, बस इस तरीके से आप लोगों ने यूज़ करना है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बट लेकिन उसमें भी एक चीज़ रहेगी कि आपने मेरे भाई डेली बेसिस पे इन क्रीम को यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेरे भाई डेली बेसिस पे जब हम क्रीमों को यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन जो है वो इन चीज़ों की आदि होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इन क्रीमों को छोड़ना भी है बाद में, क्योंकि हमने परमानेंट इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोगों की स्किन को पिगमेंटेशन है और आप इनको पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करना चाह रही हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली ये करना है, पूरी डिब्बी क्रीम के लिए लेनी है, ठीक है, इसमें हाफ बायोकास्ट का सीरम लेके वो मिक्स कर लेना है और जहाँ पे आपके निशान ना रातों सोते वक्त वहाँ पे लगाएं, रगड़ना नहीं, जिस थोड़ी सी लेप कर लें निशानों के ऊपर खाली और आप सो जाएं, सुबह उठ के फेस को वॉश करें, इंशाल्लाह अनकरीब आपके जल्दी ही पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव नहीं है या कुछ लगाने से मसला नहीं होता तो फिर आप डेली बेसिस पर लगा सकती हैं, नहीं तो फिर आपने एक दिन छोड़ कर ही एक दिन लगाना है पिगमेंटेशन के लिए। तो वाइटनिंग के लिए मैंने बता दिया, अगर आप लोगों की स्किन मोटी है सेंसिटिव वाली, अभी मैं बताता हूँ सेंसिटिव वाले भी जरा सुन लीजिएगा, अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, कुछ भी लगाओ तो स्किन लाल सी होती है, तो मैं आप लोगों का पहले फिलहाल आप कोई भी क्रीम नहीं लगाएंगे, आप सबसे पहले मेरी बातों को सुने, आप एक ऐसा करें कि मुल्तानी मिट्टी ले आएँ, बाजार जाएँ कॉस्मेटिक शॉप पर, वहाँ से परचेज करें मुल्तानी मिट्टी, घर पर आएँ एलोवेरा जेल ले रहे हैं वहाँ से ले लीजिएगा, वैसे तो घर पर आके आधी चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है, एक चम्मच या आधी चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेनी है, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करके वो जो मास्क बनेगा अपने फेस पे लगा लीजिए मुल्तानी मिट्टी का, तो 15-20 मिनट के बाद वो ड्राई हो जाएगा, इसके साथ फेस को वॉश कर लें, पूरा हफ्ता आपने डेली बेसिस पे ये लगाना है। तो जब आप 1 वीक इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे आप लोग देखोगे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी, जो स्किन लाल सी होती है ना उन लोगों के लिए स्पेशली ये है कि आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएं क्रीम को, रात को यानी कि हफ्ते के बाद आपने इसको यूज़ करना है, 1 वीक के बाद आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएं। हाँ, अगर फर्स्ट डे लगाने से फिर आपकी लाल स्किन हो रही है तो फिर सुनो, आपने ऐसा करना है कि इसको 1 डे के बाद यूज़ नहीं करना, आपने फिर मुल्तानी मिट्टी वाला पैक लगाना हफ्ता, उसके बाद आपने फिर इसको यूज़ करना है, एक दिन लगाना है, 2 दिन छोड़कर 3rd डे फिर लगानी है, फिर इस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है
ठीक है। और अगर आप लोगों की स्किन के ऊपर एक्ने निकलते हैं या स्टिल आपके फेस के ऊपर एक्ने हैं वो खत्म नहीं हो रहे क्रीम लगाने से और आ जाते हैं, तो फिर भी सुन लीजिएगा, आपने इस क्रीम को यूज नहीं करना फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले अपने एक्ने का ट्रीटमेंट करना है। तो एक्ने का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, आपने सिंपली ऐसा करना है कि नीम के पत्ते ले लीजिए, आपको पंसार की शॉप से मिल जाते हैं ड्राई हुए, या आपके गली मोहल्ले में कहां कहीं भी नीम लगी हुई ना उसके पत्ते लाकर धूप में रखे, ड्राई कर लें, खुश्क हो जाएंगे, उसे ब्लेंडर में डालकर उसका अच्छा सा पाउडर बना लें। बस वो पाउडर जो है वो ऐसा करना है कि आधी चम्मच या एक चम्मच आपने पाउडर लेना है, उसमें मुल्तानी मिट्टी एक मुल्तानी मिट्टी सॉरी कह रहा हूँ आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है आधी चम्मच या चम्मच, वो बिल्कुल ब्रिक से पतला सा पैक बनाना है, बनाने के बाद फेस के ऊपर लगाना है, लगाने के बाद आपने छोड़ देना है हफ्ता या 10 दिन, आप रेगुलर बेस पे यूज़ करें, आप देखोगे आपके जो एक्ने वगैरह खत्म होना शुरू हो जाएंगे, पिंपल वगैरह खत्म होने लग पड़ेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ रहेगी कि आपने डाइट को फोकस करना है, आपने तली चीज़ें नहीं खानी, ठीक है, तली चीज़ों खाने से नुकसान होता है, तली नहीं खानी ना ही फास्ट फूड खाना है, ठीक है, इन चीज़ों से आपने परहेज करना है, और फिर आप लोगों को देखोगे कि 7-8 डेज के अंदर आपके एक्ने का खत्म हो जाएंगे। जब आपकी एक्ने खत्म हो जाएगी फिर आपने सिंपली ये लेनी है क्रीम और यूज़ कर लेनी है, ठीक है, एक दिन छोड़कर लगा लें या फिर 2 दिन छोड़कर लगा लें। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो जब भी आप कोई फॉर्मुला क्रीम यूज़ करते हो रेगुलर बेस पर कभी भी ट्राई ना करो, आप इसको 1 डे छोड़कर यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने पर्सनली जब भी यूज़ की मैंने एक दिन छोड़कर ही एक दिन लगाई थी, या फिर मैं 2 या 2 दिन बाद छोड़कर लगाता था, लेकिन बिलीव माने आज तक 0% साइड इफेक्ट हुआ है, ना तो कभी एक्ने निकले, ना स्किन कभी ब्रेक हुई, और ना स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, बिल्कुल क्लियर है। तो यार देखो झूठ बोल के इंसान को सवाब नहीं मिलता, जो मैं झूठ बोल के यहाँ पे आपसे निकल लूँ ये नेकियाँ नहीं है मेरे भाई, और ना ही मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं अपनी ही कब्र बारी करूँ। तो बेहतर है जो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ उसको जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से यूज़ करिए। और हाँ, अगर आप लोगों के भाई फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, तो अगर आप लोगों को फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि YC का आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, YC लेमन एक्सट्रैक्ट फेस वॉश आपको मार्केट से मिल जाएगा, आप ले लें वो यूज़ कर लीजिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप लोग अपनी स्किन को मेंटेन रख सकते हैं, कलर वाइट कर सकते हैं, या कोई मसला है वो आप ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि लोग डिफरेंट बताते हैं गलत चीज़ें, तो वो लोग यूज़ करके साइड इफेक्ट हो जाता है, फिर आके कहते हैं कि ये मेरा फेस है इसका ये हो गया इतना कर दें, तो फिर बाद में बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें बताना और फिर करना। बेहतर है कि आप लोग एक अच्छी एडवाइस की तरफ जाएं, अच्छी चीज़ फॉलो करें ताकि आपको साइड इफेक्ट भी ना हो। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है इस चीज़ के बारे में तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका जरूर जवाब दूंगा, और आप लोगों का कोई भी मसला फेस के बारे में तो वो भी कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा, आपको हल दूंगा। तो मैं आपके समझता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बस मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।